पर मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिस सेशन को कल होना जरूरी था लेकिन कल देरी की वजह से, या फिर ये समझिए कि हम इसके उपयुक्त कंटेंट को नहीं निकाल पाए थे इसलिए हम नहीं कर पाए। आज हम आपको बता रहे हैं कि कल यानी कि 26 दिसंबर को भारत ने वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया है। क्या है ये वीर बाल दिवस, जो कि पहली बार भारत में सेलिब्रेट किया जा रहा है, किनको याद करके किया जा रहा है, और इस दिवस को मनाते समय प्रधानमंत्री के द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किए गए और वो ये थे कि हम अपनी दशकों पुरानी भूलों को सुधार रहे हैं और नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि किस संदर्भ में ये बातें कही गई हैं और क्या है वो इतिहास जिसे आज के जमाने में आज के यूथ को बताया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने कुछ प्रमुख अखबारों की हेडिंग्स हैं, आप इन्हें एक बार के लिए देखें, जिसमें आप देखते हैं कि पीएम मोदी पेड ट्रिब्यूट टू यंग मार्टियर ऑन वीर बाल दिवस, पीएम मोदी अटेंडेड शब्द कीर्तन ऑर्गेनाइज्ड मार्क वीर बाल दिवस इन दिल्ली। आप यहां पर दो बातें नोटिस करें, आज के अखबारों में चूंकि ये छपी हैं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा एक कार्यक्रम को अटेंड किया गया और वहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा यंग मार्टियर्स यानी कि बाल शहीद उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये क्या है पूरी की पूरी कहानी, ये आज के सेशन में हम आपको बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीर बाल दिवस विल एम्पावर इंडियन टू टेक प्राइड ऑफ देयर आइडेंटिटी। ये बात बहुत बड़ी बात है, समटाइम्स हमने अपने सेशंस में भी इस बारे में जिक्र किया है, विशेष रूप से जब भी भारत को लेकर इंस्पिरेशनल बातें जब हम आपसे करते हैं तब हम एक बात आपसे बोलते हैं कि हम भारतीय, आज हमें कोई दूसरा हमारे बारे में कुछ बताता है तो उस बात पर तो यकीन हाल कर लेते हैं कि किसी विदेशी राइटर ने अगर हमारे बारे में कुछ बढ़िया लिख दिया, विदेशी पत्रिका ने अखबार ने हमारे बारे में कुछ अच्छा लिख दिया तो मान लेते हैं, लेकिन हम अपने ही इतिहास पर शक करते हैं क्योंकि हमें जो इतिहास पढ़ाया लिखाया गया है प्रधानमंत्री के अनुसार वो कुछ मतलब सोच समझ करके कुछ तुलनात्मक रूप से कम ही जानकारी वाला पढ़ाया लिखाया गया है। उनका कहना है प्रधानमंत्री का कि भैया अगर हमें वो सारी बातें बताई जाती कि किस प्रकार से हमारा इतिहास समृद्ध रहा है, किस प्रकार से दो बालकों के द्वारा धर्म परिवर्तन ना करने की जो जिद थी, क्योंकि उनके सामने विदेशी आक्रांता मुगल्स चाहते थे कि वो अपना धर्म परिवर्तित करके इस्लाम को अपना लें, लेकिन वो दो बालक जिद में खड़े रहे और अपनी बहुत कम उम्र में, शायद जो उम्र है वो कहीं जगह 6 और 9 लिखी है, कहीं जगह 7 और 9 लिखी हुई है, इतनी कम उम्र में उन्होंने अपनी शहादत स्वीकार की और उन्हें जिंदा दीवार में चिना दिया गया था, चिनवा दिया गया था। आज के सेशन में उन वीर बालकों की चर्चा भी होगी जो कि लोगों के सामने एक प्रेरणा बनकर खड़े हैं भारतीय इतिहास का, या फिर ये समझिए कि वो व्यक्ति या वो बालक जिनकी प्रेरणा से आज का यूथ अपने बारे में गर्व कर सकता है कि हां भारत में ऐसे वीर बालकों का भी जन्म हुआ है, तभी तो इस दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ना। तो हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में चर्चा होगी आप हैं ये दोनों साहबजादे, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनकी दोनों संतानें थी, असल में उनकी 4 संतानें थी और वो कहते थे कि मैं अपने अनुयायियों में या फिर जितने भी उनके सैनिक जन हैं या जो भी हैं उन सबको वो अपनी संतान ही मानते थे, इसी कारण वो अपनी संतानों में और जो अन्य साथ में जो सेवा दल के लोग थे या फिर उनके साथ में जो वीर सैनिक थे उन्हें वो एक समान माना करते थे। फिर भी गुरु गोविंद सिंह की 4 संतानें थी और चारों संतानें 7 दिन के भीतर भीतर शहीद हो गई, युद्ध के अंदर शहीद हुई और उस शहादत में गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु थे उन्होंने अपनी माता का भी बलिदान, मतलब उनकी माता का भी बलिदान हुआ। आप ऐसे सोचें कि जिनकी शहादत की आज हम जिक्र कर रहे हैं उनमें दो बालक जिनका नाम है बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इन दोनों का जिक्र सर्वोपरि है क्योंकि इन्हें दीवार में जिंदा चिना दिया गया था, बंती दीवार में सीधा खड़ा कर दिया गया था ताकि इनके बारे में जब कभी जिक्र हो तो लोगों की रूह में यह डर बैठ जाए कि यदि आक्रांताओं के द्वारा जो कि धर्म के मुद्दे को लेकर इतने प्रबल तरीके से चले आ रहे हैं उनकी बातों को अगर नहीं माना गया तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। लेकिन आप दोनों ने बिना डिगे मौत को तो गले लगा लिया लेकिन अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपने धर्म को नहीं छोड़ा, इसी की वीरता को याद करते हुए पहली बार वीर बाल दिवस इस 26 दिसंबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया। आधिकारिक रूप से अब इसका सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। ठीक है साहब,
ये है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा इस अवसर को सेलिब्रेट करने की बातें कही गई। यही सारी जानकारी यहां से, ठीक है। तो ये है वीर बाल दिवस, जिनके बारे में बातें की जा रही हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की शहादत को याद करते हुए वीर बाल दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उन्होंने पहुंच करके यहां पर शब्द कीर्तन सुना। 300 बाल कीर्तनियों ने इसे बकायदा गाया था। प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी 2022 को जो प्रकाश पर्व था, उस दिन यह घोषणा की थी कि इस साल सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों साहबजादों को श्रद्धांजलि देते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। असल में यह शौर्य का दिवस है, असल में यह शोक का दिवस है, असल में 7 दिन जो है अंत के, यहां पर यह शोक है कि यहां पर गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र मतलब की शहादत हुई थी। तो इस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए इस पूरे समय में इनकी शहादत को शौर्य के रूप में याद करने के लिए इस दिवस का सेलिब्रेशन किया जाएगा। आप यहां पर न्यूज की कटिंग्स देख सकते हैं, जहां पर 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वीर बाल दिवस टू बी ऑब्जर्व ऑन दिसंबर 26 एज ट्रिब्यूट टू गुरु गोविंद सिंह सन्स, गुरु गोविंद सिंह जी के चारों पुत्रों को याद करते हुए इस दिन को याद किया जाएगा। लेकिन फिर भी वीर बाल जो शब्द यूज किया गया, क्योंकि इनके बाकी जो दो संतानें थी उनमें से एक 18 वर्ष की थी और एक 14 वर्ष की थी, लेकिन यहां पर जिनका जिक्र बार बार हो रहा है वो है जोरावर सिंह और है फतेह सिंह, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं, टुडे ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द प्रकाश पर्व ऑफ श्री गोविंद सिंह गुरु जी, तो यहां पर यह अनाउंसमेंट कर दिया गया था आज से लगभग पूरे एक साल पहले प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है। 26 दिसंबर की आप ये कटिंग देख सकते हैं, 9 जनवरी को अनाउंसमेंट था, 26 दिसंबर को इन्होंने जो कहा था उस काम को पूरी तरह से किया और अपने द्वारा पूरा मैसेज सर्क्यूलेट करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा अपने साहस से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ सकते हैं। इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीढ़ी देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निकल रही है। ऐसे में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भूमिका और अहम हो गई है। यहां पर इन्होंने कहा कि सिख धर्म परंपरा केवल आस्था और अध्यात्म की परंपरा नहीं है, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचार का भी पूरी तरह से प्रेरणा पुंज बनी है। तो यह सारी बातें प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई, यह जानकारी इन्होंने G20 के अवसर पर जारी की थी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में यह भी बता दूं, यह वीर बाल दिवस भले ही 26 दिसंबर को ऑफिशियली अब संपूर्ण भारतवर्ष में सेलिब्रेट होगा, लेकिन इससे पूर्व भी सिख समुदाय जो है वो इस दिन को सुप्रीम सैक्रिफाइस डे के रूप में हर बार मनाता है। यानी हर दिसंबर में सिख समुदाय के द्वारा तो इसको शहादत की याद के रूप में हर बार शहीदी दिवस के रूप में, शहीदी जोर मेले के रूप में, शहीदी सभा के रूप में फतेहगढ़ साहिब नामक जो मतलब जो यहां पर इनका कीर्तन जगह है वहां पर इसे मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो शहीदी कीर्तन के नाम से ये जो फतेहगढ़ साहिब नाम से जो जगह है वहां पर लाखों लोग एकत्रित होते हैं फतेहगढ़ साहिब में, और एनुअल शहीदी जोर मेला यहां पर यंग साहिबजादे की याद में फतेहगढ़ साहिब के अंदर आयोजित किया जाता है, ठीक है। आप यहां पर हर बार ये जो जनता आपको यहां दिख रही है ये शहादत को याद करने के लिए एकत्रित हुई जगह है जिसका नाम है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब उस जगह का नाम है जिस जगह पर इन दोनों को चिनवाया गया था, ठीक है। तो ये बात आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं वीर बाल दिवस, पीएम नरेंद्र मोदी रिमाइंड नेशन ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन बाई औरंगजेब शेज गुरु गोविंद सिंह चिल्ड्रन। आगे की जो बातें थी वो हम आपको बताएंगे। कनेक्टेड नैरेटिव क्रिएटेड इन्फीरियरिटी, तो ये जो कनकक्टेड जो नैरेटिव है उसने हमारे अंदर हीन भावना भरी, ये बातें इन्होंने अपने द्वारा कही हैं, ठीक है साहब। प्रधानमंत्री का जो भाषण है मैं वो भाषण भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जान लीजिए, फिर मैं आपको पूरी स्टोरी डिटेल में बताऊंगा। देखिए साहब, बात ऐसी है, 6 और 9 साल के छोटी उम्र में शहीद हुए थे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर पंजाब के सिरहंद में दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। उस जगह को फतेहगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है, जहां पर लाखों की संख्या में लोग फिलहाल एकत्रित होते हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार इन साहिबजादों का बलिदान हमें प्रेरित करता है। इन्होंने कहा कि दुनिया का इतिहास जुल्म और अन्याय की कहानियों से भरा पड़ा है। 300 साल पहले चमकौर और सिरहंद में युद्ध लड़े गए थे। ये चमकौर और सिरहंद के युद्ध क्या हैं? ये आज के सेशन में मैं आपसे जिक्र करूंगा। इनमें एक तरफ मुगल साम्राज्य था तो सांप्रदायिक चरमपंथी था जो सांप्रदायिक चरमपंथ के प्रति अंधा था, और दूसरी तरफ हमारे गुरु जी थे यानी गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे। एक तरफ आतंकवाद था तो दूसरी तरफ आध्यात्म था। एक तरफ सांप्रदायिक अशांति थी तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता थी।
एक तरफ लाखों की संख्या में सैनिक थे तो दूसरी तरफ साहिबजादे थे जो कि पीछे नहीं हटे। साहिबजादे हमें प्रेरित करने वाली पीढ़ी हैं। औरंगजेब के आतंक के खिलाफ डटकर जब लड़े गुरु गोविंद सिंह जी, ये प्रधानमंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के आतंक और भारत को बदलने की उसकी नियत के खिलाफ डटकर खड़े रहे। औरंगजेब और उसके लोग तलवार का डर दिखाकर गुरु गोविंद सिंह और उनके बच्चों का धर्म बदलना चाहते थे, लेकिन वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। एक देश जहां का इतिहास ऐसा है तो उसे तो आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें कुछ खास कहानियां ही पढ़ाई जाती हैं जिनसे हमारे भीतर हीन भावना आती है। ये प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ अंश हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको प्ले कर देता हूं। अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृतकाल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण फूंका है। वीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राणवायु की तरह है। साथियों, इतनी कम उम्र में साहिबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरफ खड़े थे, लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसके सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी? वे निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे अपने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। जिस जिक्र को किया जा रहा है, औरंगजेब का जो कंसर्न यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना, वो कहानी मैं पूरी आप लोगों को बताऊंगा। असल में ये बात शुरू होती है सेकंड बैटल ऑफ आनंदपुर से। सेकंड बैटल ऑफ आनंदपुर, ये आपको कहानी पूरी की पूरी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। असल में कुछ इस तरह का ब्रीफिंग समझ लीजिए पहले कि एक आनंदपुर नामक से जगह है, फिलहाल के लिए आप इतना समझें कि वहां पर एक तरफ मुगल आक्रांता है और दूसरी तरफ भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं ना, उन पहाड़ी राजाओं को भी गुरु गोविंद सिंह की जो सफलता है वो रास नहीं आ रही है। और भारत के साथ ये दुर्भाग्य रहा है हमेशा कि हम लोग कभी यूनिफाइड रहने के स्थान पर एक दूसरे की काट लगाने में बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। हमारे देश में जितने भी आक्रांता आए, कहीं ना कहीं वो किसी इंटरनल कोई राजा था जिसने उनकी सहायता की कि आप यहां तक पहुंचे और यहां तक इस तरह खात्मा करें और मेरा मुनाफा कमवाएं। तो चूंकि उस समय सब राजा अलग अलग बटे हुए राजा हुआ करते थे, यूनिफाइड इंडिया नहीं था जैसा आज आपको दिखता है, तो पहाड़ी राज्यों के राजा ने मिलकर गुरु गोविंद सिंह से बदला लेने के लिए मुगल्स को अपने पास बुला लिया, यानी कि एक साथ बोले इनसे गुरु आनंद सिंह, इनसे ये जगह छीन ली जाएगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार से निकल कर आती है कि साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह जो है, इनकी हत्या 1704 में हुई थी। और इसकी हत्या के पीछे जो था ना, वो था आनंदपुर साहिब के पीछे अटैक, जो कि मुगल्स ने हिल राज्य के राजाओं के साथ, जो कि हिमाचल प्रदेश के राजा थे, उनके साथ मिलकर किया था। सेकेंड बैटल ऑफ आनंदपुर जो है, ऑल्सो नॉन एज सेज ऑफ आनंदपुर, यहां पर मतलब इट वॉज फॉट एट आनंदपुर बिटवीन सिख एंड मुगल जनरल वजीर खान, और दूसरा था जबरदस्त खान। इन दोनों ने मतलब कि शिवालिक हिल्स के जो राजा थे उनके साथ मिलकर के यहां पर लड़ाई लड़ी थी।
हुआ कुछ यूं था कि गुरु गोविंद सिंह जी की माता थी जिनका नाम था गुजरी जी और उनके दो पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी ये मार्टियर हो गए थे एक ही वीक के भीतर भीतर। अर्थात इसको यूं समझने का प्रयास करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी भी है ना यहां पर शहादत को प्राप्त हुई थी। हिल राजा वन कंसर्न अबाउट गोविंद सिंह जी इज राइजिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस इन देयर रीजन। मतलब स्थिति ये थी कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था उससे जो हिली प्रदेश के जो राजा थे वो भी खुश नहीं थे, एक प्रकार की सिख मूवमेंट से वो भी खिलाफत करते थे। तभी जम्मू, नूरपुर, मंडी, कुल्लू, चंबा, श्रीनगर, धड़वाल और हिंडूर यहाँ के राजा बिलासपुर में एकत्रित हुए और यहाँ पर भीमचंद जो कि राजा अजमचंद और इनके साथ मिलकर के इन्होंने गोविंद सिंह जी की बढ़ती हुई ताकत को हटाने के लिए एक अलायंस बनाया और मुगल्स को साथ में मिलाकर आनंदपुर की तरफ लेकर कूच कर दिया। अटैक के पीछे का बड़ा कारण क्या था कि गुरु गोविंद सिंह जी यहां पर अपनी आर्मी को रेज कर रहे थे और नेबरिंग जो क्षेत्र थे वो इस बात से खुश नहीं थे। इन द ईयर ऑफ 1699 गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, एस्टेब्लिश्ड खालसा, जो कि हिल के राजाओं और मुगल एम्पायर को अपने लिए एक थ्रेट जैसा लगता था। यानी कि इन्होंने अपनी एक समृद्ध सेना बना ली थी कि भाई हम अब हटेंगे नहीं, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना करके एक तरफ मुगल्स को और दूसरी तरफ हिल्स को ये टेंशन सताने लगी थी कि कहीं अब इनकी जो प्रगति है वो कहीं हमारे क्षेत्रों को अधिकार में ना ले ले। इसके चलते द किंग हैड सेवरल बैटल्स विद द सिक्स इन द लास्ट डेकेड ऑफ 17th सेंचुरी बट हैड बीन अनेबल टू डिसलॉज देम फ्रॉम आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब से उन्हें यहां से हटाने के लिए काफी प्रयास हुए लेकिन ऐसा कर नहीं सके। फिर 1704 के अंदर बिलासपुर के अंदर जब ये सब राजा एकत्रित हुए तो इन्होंने एक साथ मिलकर आनंदपुर साहिब के ऊपर अटैक करने के लिए मुगल एम्पायर को साथ बुलाया। बाद में यह होता है कि जब यह पूरी प्रक्रिया चल रही होती है तो आनंदपुर साहब की जो सप्लाई है वो कई महीनों के लिए काट दी जाती है। बर्थ ऑफ खालसा जब जन्म इसका हुआ तो इसके पीछे का जो मुख्य अर्थ था पंजाबी के अंदर द प्योर द खालसा इज यूज टू डिनोट द बॉडी ऑफ द इनिशिएटेड सिख एंड द कम्युनिटी ऑफ ऑल सिख। एक ऐसे पंथ की स्थापना जो कि सिखों के लिए समर्पित थी, इस पंथ की स्थापना के साथ ही ये सारी की सारी चीजें औरों के लिए चिंता का कारण बन गई थी। हिंदू किंग और मुस्लिम गवर्नर्स जो थे उन्होंने फाइनली एक एग्रीमेंट किया कि हम जो है वो सिखों के साथ एक एग्रीमेंट करेंगे और ये कहा गया कि गुरु गोविंद सिंह जो है अब वो आनंदपुर साहिब में नहीं रहेंगे। ये प्राप्त जानकारी इंटरनेट पर है। अब इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी को किस तरह से आप और आगे देख सकते हैं तो इसमें आप देखें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी दैट इज SGPC उनके अनुसार गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब को 20 दिसंबर 1704 को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुगल्स और वो हिल स्टेट के जो राजा थे वो एक साथ मिल गए और आनंदपुर साहिब से इन्हें हटाना चाहते थे। इस बीच में इन्होंने 1704 में अपनी उस जगह को 20 दिसंबर को छोड़ दिया। लेकिन अपोनेंट जो थे ना उन्होंने अपने द्वारा जो मतलब संधि प्रस्ताव जो किया था एक कसम खाई थी कि हम आपने अगर आनंदपुर साहिब छोड़ दिया तो हम आपको अब परेशान नहीं करेंगे, उन्होंने इस चीज को वायलेट किया और गुरुजी और उनके फॉलोअर्स को बीच रास्ते में ही अटैक कर दिया। क्योंकि एक नदी पड़ती है रास्ते में जिसका नाम है रिवर सरसा जो कि मात्र 25 किलोमीटर है आनंदपुर साहिब से। वहां पर जब गुरुजी और उनके अनुयायी उस रास्ते को क्रॉस कर रहे थे, आनंदपुर किला को छोड़ करके जा रहे थे, नदी को क्रॉस कर रहे थे, उसी समय पर नदी के अंदर बाढ़ आ गई। स्थिति बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई नदी को क्रॉस करने में। ऐसी स्थिति में युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है, उन पर अटैक हुआ हुआ है, ऐसी स्थिति में गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार उनसे बिछड़ गया और तीन दिशाओं के अंदर गुरु जी का परिवार एक दूसरे दिशा से अलग हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी सेपरेट हो गए एक दूसरे से और इनका पूरा पूरा जो अनुयायी और इनके बच्चे और इनके जितना भी परिवार है वो तीन अलग अलग गुटों में बट गया। नदी का किनारा था और यहीं पर अब युद्ध होना शुरू हो चुका था। चूंकि नदी भरकर चल रही थी, फ्लडेड स्थिति थी, मैनी सिख सोल्जर्स जो हैं वो उस ठंड के अंदर बहती बारिश के अंदर बह गए। क्योंकि असल में नदी में जब पानी ज्यादा है तो फ्लड की सिचुएशन में बहुत ही चाओस क्रिएट हो गया और ऐसी स्थिति में गुरु गोविंद सिंह जी की जो फैमिली है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गई, स्कैटर्ड हो गई, तीन दिशाओं में चली गई। उनकी वाइफ, गुरु गोविंद सिंह जी की वाइफ माता साहिब कौर और उनके कंपेनियन भाई माने सिंह मालवा की तरफ चले गए। गुरु हिमसेल्फ विद हिज टू एल्डेस्ट सन अजीत सिंह और जुझार सिंह और 40 और सिख उनके साथ में
चमकौर साहिब की तरफ चले गए और माता गुजर कौर जी, यही वो गुजर कौर जी हैं जिन्होंने जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी के साथ में, और टू यंगर सन वही जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी जो हैं, इन्होंने सरहंद की तरफ की यात्रा शुरू की। अब यहां पर ये सारे टर्म आपको याद होने चाहिए, एक तो चमकौर शब्द, क्योंकि आगे चल करके अब ये सवालों में भी बनेगा, आपके जिक्र में भी ये होना चाहिए, सरहंद और चमकौर। चमकौर की तरफ तो गुरु जी चल दिए और उनके जो पुत्र, उनकी जो माता है, दो पुत्र छोटे छोटे और उनकी माता जो है, वो सरहंद की तरफ चल दी। ठीक है, गुरुद्वारा परिवार विचार साहिब विचौरा साहिब स्टैंड ऑन द स्पॉट वेयर द बैटल ऑफ सरसा टुक प्लेस। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी और उनके जो साथी फॉलोअर्स थे, उनको चारों तरफ से चमकौर साहिब के आसपास घेर लिया गया, जहां पर इन्होंने रिफ्यूज यानी कि एक तरह से शरण ली हुई थी। हिस्टोरिक बैटल यहां पर चमकौर की होती है और एक बहुत छोटी सी संख्या जो कि सिखों की उनके साथ उपस्थित थी, वो मुगल्स की बड़ी संख्या के साथ में यहां पर लड़ाई लड़ती है। साहिबजादा अजीत सिंह जी और साहिबजादा जुझार सिंह जी जो हैं, वो दोनों इस बैटल के अंदर दिसंबर 22 को शहीद हो जाते हैं। अर्थात इस कहानी में जो तीन ग्रुप अलग-अलग बटकर निकल गए थे, गुरुजी की वाइफ अलग दिशा में मालवा की तरफ चली गई, गुरुजी की माता अपने दोनों पोतों को लेकर के अलग तरफ चली गई, सरहंद की तरफ चली गई, और गुरुजी खुद जो है वो चमकौर साहिब के साथ आसपास के क्षेत्र में 40 अनुयायियों के साथ रुक गए। उनके ऊपर मुगल्स ने आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में गुरुजी के दोनों जो पुत्र हैं वो शहीद हो गए। तो ये बैटल ऑफ चमकौर हुआ, बैटल ऑफ चमकौर, जिसके अंदर गुरु साहिब, मतलब गुरु साहिब यानी गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं, उनके द्वारा नवाब वजीर खान के द्वारा जो सेना लेके आई गई थी लगभग 10 लाख सैनिकों की, उसके साथ लड़ाई लड़ी गई। 40 सैनिकों के साथ में ये लड़ाई लड़ी गई और इस दिन 22 दिसंबर 1704 की यह घटना है, जिसमें साहिबजादा अजीत सिंह जी अपने पिताजी के पास आकर कहते हैं कि आप मुझे इजाजत दें, मैं युद्ध करने जाना चाहता हूं। तो गुरुजी ने अपने तीन शिष्यों को उनके साथ भेजा और कहा कि जाओ बेटा युद्ध लड़ो। एक तरफ 10 लाख की सेना है, एक तरफ 40 अनुयायी हैं, है ना, वही वाली बात है। इस पर कथन भी है एक बहुत बड़ा, अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि कितने से मैं क्या लड़ा वहां, ये एक शब्द है अगर आपको याद हो तो। ऐसी स्थिति में यहां पर सिखों के साथ में अपने अनुयायियों के साथ में लड़ने भेज देते हैं। गुरुजी को पता है कि उनका पुत्र जाकर शहीद होगा, लेकिन एक पल के लिए भी वो हिचकते नहीं है। उन्होंने कहा शहादत अच्छी है गुलामी से, जाकर युद्ध करो, और उनका जो पुत्र अभी 18 साल का था वो युद्ध करने चला जाता है। अपने बड़े भाई को जाता हुआ देख करके साहिबजादा जुझार सिंह जी आते हैं, जो कि मात्र 14 साल के हैं, और वो आकर के अपने पिताजी से कहते हैं कि मुझे भी अपने भाई के पीछे जाने के लिए आप आज्ञा दें। ऐसी स्थिति में गुरुजी के द्वारा अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया जाता है कि आप जाइए, अपने साथ 5 सिख लेकर जाइए और जाकर के वहां पर करिए। गुरुजी के द्वारा यहां पर अपने सभी पुत्रों को और अपने पुत्रियों को एक समान माना जाता था, इसी कारण से कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया। उन्हें पता था कि 14 साल की उम्र में जाएंगे, मिलियंस की सेना सामने खड़ी है, ऐसी स्थिति में उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस चीज से अपने आप को पीछे नहीं हटा। बैटल चमकौर, बैटल ऑफ चमकौर इसी वजह से जानी जाती है, दिसंबर 1704 की घटना है, जहां पर दो एल्डर साहिबजादा और 3 पंज प्यारे 40 सिख के साथ मिलकर के, अब यहां पर यह सारी जो कहानी है हमने आपको बता दी, जिसके अंदर बैटल ऑफ चमकौर हुई थी। ठीक है, हम हर कंटेंट को यहां पर लाइन के साथ रेफरेंस में इसलिए ले रहे हैं ताकि कोई भी तथ्यात्मक त्रुटि ना हो, और तथ्यात्मक त्रुटि समटाइम्स क्या होती है कि वो मतलब आपके लिए कंसेप्ट में कहीं से कहीं मिसकंडक्ट कर सकती है और काफी सेंसिटिव चीजें होती हैं, इसलिए हम रेफरेंस को हूबहू लेकर के आपके साथ चल रहे हैं। अच्छा, अब इसी बीच में सरसा नदी से सरहिंद की तरफ माता गुजरी अपने दोनों पोतों को लेकर निकल चुकी हैं। इस तरफ तो गुरुजी चल रहे हैं अपने सैनिकों के साथ में युद्ध लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ यहां पर चमकौर में युद्ध अलग चल रहा है, और दूसरी 1.25 लाख से एक लड़ावा। जी हाँ, ये यही जो लाइन आपने लिखी है ना, हाँ यही वाली जो लाइन है ना, तो इधर देख लीजिए। तो यहां पर गुरु जी, ये जो माता जी हैं, ये अपने दोनों पोतों को साथ लेकर चल पड़ी हैं, इसकी आप पिक्चर्स देख सकते हैं, और बिल्कुल सामान्य वेशभूषा से ये निकल करके एक घर में जा करके शरण ले लेते हैं, या फिर रात्रि विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। एक गंजू नामक व्यक्ति है जिसके पास में ये रुकते हैं। असल में वो व्यक्ति इनका कभी कुक हुआ करता था, रास्ते में जाकर उनके पास रुकते हैं। रास्ते में जब चूंकि पता है कि मुगल्स का आक्रमण हुआ है, तो मुगल्स ने सब तरफ लालच फैला दिया कि यदि कोई इनकी सही सूचना देगा तो उसको मतलब अशरफियां, सोने के बहुत सारे सिक्के, ये सब दिए जाएंगे। इस लालच में गंजू इन्हें कमरे में सुला करके और खुद वो सूचना देने के लिए आगे चला जाता है, और ऐसी स्थिति में माता गुजरी और उनके दोनों छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि सूचना लीक हो जाती है कि ये कहां पर है। गंजू ने
कोतवाल से कहा, पुलिस चीफ, दैट गुरु गोविंद सिंह जी की मदर और उनके दोनों पुत्र हमारे पास छिपे हुए हैं, आप उन्हें आकर यहाँ से ले जा सकते हैं। भारत में लालच जो है ना, वो लालच के ये पराकाष्ठा हैं, जितना भी हमारा इतिहास है उसमें लालच जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा वो रहा है। खैर, अब साथियों सरहंद की जानकारी आती है। तो अब ऐसी स्थिति में ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, फतेह सिंह जी और जोरावर सिंह जी, यहाँ पर जो वहाँ का जो काजी है वो दिखाई पड़ रहा है, वो आकर के इनसे कहते हैं कि तुम लोग अब यहाँ पर हमारे सामने तो उपस्थित हो गए हो, हम तुम्हें चूँकि छोटे बहुत हो, इन दोनों को, फतेह सिंह जी को और इनको दोनों को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम बहुत छोटे हो अभी, यदि तुम धर्मांतरण कर लेते हो तो हम तुम्हें अभी यहाँ से रिहा कर देंगे। ये दोनों 7 साल के और 9 साल के साहिबजादे इनकी इस बात को और इस प्रस्ताव को पूरी दृढ़ता के साथ किनारा कर देते हैं, जबकि इन्हें ऑफर दिया गया था कि अगर तुम धर्मांतरण कर लेते हो तो हम तुम्हें बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे उपहार, बहुत सारे मूल्य देंगे। देखिए, बड़ेपन में आपके दिमाग में जो थॉट आती है उसमें समाज का बहुत बड़ा, संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन छुटपन में आपके अंदर ये समझ आ जाना कि नहीं, मुझे झुकना नहीं है, दुश्मन कौन है ये पता चल जाना, ये एक बहुत अच्छी परवरिश और एक बहुत अच्छे मतलब संस्कारों की निशानी है कि आप अपने आइडियल्स को लेकर के किसी प्रकार से झुकने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ये दोनों वीर बालक साहिबजादे जो हैं, ये साहिबजादे, ये जो मतलब मुस्लिम आक्रांता था उसके गुस्से का शिकार होते हैं और आदेश दिया जाता है कि इन्हें दीवार में एज इट इज चिनवा दिया जाए, यानी कि दीवार इनके चारों तरफ बनाकर उसके अंदर पत्थरों को एक साथ जमा करके इनको बंद करवा दिया जाए और ये वहीं पर मर जाएं। और हुआ भी यही साथियों, यहीं पर दोनों साहिबजादे शहीद होते हैं और इस शहादत को ही आज याद करते हुए बाल दिवस मनाया जाता है। माता गुजरी देवी को जब यह जानकारी पता चली तो वो इस सदमे में ही, जेल के अंदर ही, वो सदमे के अंदर ही मतलब शहादत को प्राप्त हो गई। यानी कि ये घटना ऐसी है जो कि निश्चित ही आज, जब आप आज के समय में भी लगभग 318 साल पुरानी घटना को सुन रहे हैं तो आपके मन में भी एक अलग लेवल की प्रेरणा का संचार हो रहा है, एक स्वाभिमानी, एक खुददारी पनप रही होगी जिसे देखकर ये प्रेरणा मिलती होगी कि यार इतनी कम उम्र में किसी बालक में इतनी समझ आना कि मैं कौन हूं और मेरी पहचान क्या है, मैं उस पहचान से किस तरह से दृढ़ता से रुक करके लड़ सकता हूं, इसी को वर्तमान समय में लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप अन अकेडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इंडिया के टॉप ऑनलाइन एडुकेटर्स आपके लिए बेस्ट कोर्सेज लेकर के अन अकेडमी पर फिलहाल अवेलेबल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।